Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session, we have discussed about the law of demand, its assumptions and many more. In today's video session, we will discuss the topic, why more is purchased when its price is less, or why the demand curve slopes downward. यानी कि अगर इसका सेकंड क्वेश्चन आता है तो वो किस फॉर्म में आता है, दैट इज व्हाई मोर इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस इज लेस, और वी कैन से दैट व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है या हम ज्यादा क्यों खरीदते हैं जब उसका प्राइस कम होता है. तो द फर्स्ट कॉज इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड वन इज इनकम इफेक्ट, थर्ड वन इज डिफरेंट यूजेस, फोर्थ वन इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड फिफ्थ वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, लॉ डीएमयू, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्रीज एट ईच सक्सेसिव यूनिट. यानी कि जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो क्या करेगा, फॉल करेगा. वो कहते हैं कि जब हम ज्यादा चीजें हमें क्या है कम सेटिस्फाई करेंगी, फिर भी हम क्यों परचेज करते हैं, क्यों परचेज करते हैं, क्योंकि उसका प्राइस कम है. मेरे को पता है कि मेरे को एक मैगी की भूख है, मैं रिलायंस मार्ट जा रहा हूं तो वहां से मैं 6 का पैकेट लेके आ रहा हूं. मेरे को पता है कि अगर मैं इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूंगा, इकट्ठा कंज्यूम करूंगा, तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल हो वो कम होएगा. मैं फिर भी उसको परचेज कर रहा हूं जब मेरे को एक जरूरत एक मैगी की है, बट मैं फिर भी क्या है 6 मैगी का पैकेट लेके आ रहा हूं. तो मैं क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि वो मेरे को सस्ता मिल रहा है. तो वो कहते हैं कि फर्स्ट कॉज इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड वन इज इनकम इफेक्ट. इन इनकम इफेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल इनकम, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल इनकम. तो रियल इनकम क्या है, द इनकम विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द इनकम विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज व्हाट वी कॉल इट एज अ रियल इनकम. तो वो कहते हैं जब किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है, सपोज अर्लियर आई वॉज परचेजिंग अ मैंगोज एट 100 रुपीज पर केजी. जब मैंगोज 100 रुपीज पर केजी थे तो मैं कितने मैंगोज लेके आ रहा था, 1 केजी लेके आ रहा था. अब मैंगो का प्राइस क्या है, 100 केजी से स्लैश करके कितने का हो गया, 50 रुपीज पर केजी हो गया. दैट इज कैन से दैट 50, अर्लियर इट वॉज 100 रुपीज पर केजी, नाउ इट इज 50 रुपीज पर केजी. अब जब मैंगो का प्राइस 50 रुपीज पर केजी हो गया तो मेरे पास क्या है, अब 50 रुपए क्या है बच रहे हैं. तो जो मेरी रियल इनकम है, जो मेरी रियल इनकम है, द इनकम विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब मेरे पास 50 रुपए क्या है बच रहे हैं. इसका मतलब मेरी रियल इनकम क्या है, 50 रुपए से इंक्रीज हो रही है. तो उसी 50 रुपए से यार क्या कर सकता हूं, मैं 1 किलो मैंगो और ले सकता हूं. यानी कि जब 50 रुपए पर केजी हो जाएंगे तो मैं क्या कर दूंगा, 2 किलो मैंगोज लेने शुरू कर दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा 1 किलो ही मैंगोज लूंगा और जो 50 रुपए बच रहे हैं उसके लिए मैं क्या है, मैं 50 रुपए पे 1 किलो ऑरेंजेस भी ले सकता हूं. तो दैट इज इनकम इफेक्ट. वो कहते हैं कि जब प्राइस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो जो रियल इनकम है, जो रियल इनकम है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. जब रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है तो क्या है, दैट इज तो आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा परचेज करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको अब उसी उतनी क्वांटिटी कम प्राइस में मिल रही है. तो आपने एक बजट सेट कर रखा है कि हमने 100 रुपीज खर्च कर दिया, तो आप क्या है 100 रुपीज में अब 2 केजी मैंगो लेके आ रहे हो. तो दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ रियल इनकम. डिफरेंट यूजेस, सम गुड्स आर हैविंग डिफरेंट यूजेस, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बहुत सारे यूजेस हैं. अगर क्या है, वो कहते हैं कि इन चीजों का प्राइस कम हो जाए, अगर इन चीजों का प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, जैसे कि मिल्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन चीजों का प्राइस कम हो जाए,
तो क्या होएगा, व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर। अब जैसे क्या है, अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाए तो जो हम मिल्क से बनी चीजें मार्केट से लेके आते हैं हम क्या है उसको घर पे बनाना शुरू कर देंगे। जब अपन वो सारी चीजें घर पे बनानी शुरू कर देंगे तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। व्हेन वी डिमांड, जब हम ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स घर पे बनाएंगे तो उसकी चीज मिल्क की डिमांड तो बढ़ेगी। तो वो कहते हैं कि जिस गुड्स की ज्यादा डिफरेंट यूजेज है, जिस गुड्स के डिफरेंट यूजेज है अगर उनका प्राइस कम हो जाए तो वी कैन पुट इन टू द सम अनदर यूजेस। व्हेन वी विल पुट इन टू सम अनदर यूजेस, जब उसको हम दूसरे यूजेस में लगाएंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। दैट इज डिफरेंट यूजेस। नेक्स्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, वो कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाई प्राइस पे कुछ लोग बाय नहीं कर सकते। सम गुड्स आर लाइक दिस विच कांट बी परचेज बाय एवरी वन एट द हायर प्राइस। लाइक जब मैंगोज क्या होते हैं, नॉन सीजनल होते हैं, तो दे आर सपोज 250 to 300 रुपीज पर केजी। तो उस रेट पे तो सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ही बाय करेगा, यानी कि कुछ ही लोग बाय करेंगे, तो डिमांड भी क्यों आएगी, लिमिटेड होगी। अब वो कहते हैं कि जब इसी मैंगोज का प्राइस सीजन में आके 50 से 60 रुपए पर केजी हो जाता है, तो क्या है, जो बंदा 250 या 300 रुपए पर केजी पे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, अब वो 50 से 60 रुपए पर केजी पे अफोर्ड कर रहा है। नाउ द साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीजेस, मोर एंड मोर कंज्यूमर विल कम टू बाय द प्रोडक्ट और टू बाय द मैंगोज। तो जब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आएंगे उस चीज को बाय करने के लिए, तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डिमांड क्यों इंक्रीज हुई, जब प्राइसेस 250 रुपए से क्या हो गया, डिक्रीज हो गए, 50 रुपए पर केजी हो गया। तो प्राइस डिक्रीज होने से क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई। द पीपल हु आर नॉट अफोर्डेबल टू बाय द मैंगोज एट 250 to 300 रुपीज पर केजी, नाउ दे आर अफोर्डेबल टू बाय एट 50 to 60 रुपीज पर केजी। तो डिमांड बढ़ गई प्राइस डिक्रीज होने से। नेक्स्ट वन कम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, देयर आर सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो वो क्या कहते हैं कि टी एंड कॉफी, अगर टी का प्राइस डिक्रीज हो जाए, अगर टी का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो टी क्या है, कॉफी के कंपैरेटिवली क्या हो गई, टी है जो कॉफी के कंपैरेटिवली वो सस्ती होगी, इट बिकम्स चीपर। अगर टी का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो टी है वो कॉफी के मुकाबले क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। जब कॉफी के मुकाबले टी सस्ती हो गई तो लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पीनी शुरू कर देंगे। तो टी की प्राइस कम होने से जो टी की डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दैट इज विद इंक्रीज, विद डिक्रीज इन प्राइस डिमांड इंक्रीज। जब टी का प्राइस कम हो गया तो टी कॉफी के कंपैरेटिवली सस्ती हो गई, तो क्या है, जो टी की डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। मोर इज परचेस्ड व्हेन इट्स प्राइस इज लेस। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस, दीज आर सम ऑफ द कॉजेस व्हिच शोज दैट व्हाई मोर इज परचेस्ड व्हेन इट्स प्राइस इज लेस और व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सो देयर आर द कॉजेस आर लॉ ऑफ डीएमयू, इनकम इफेक्ट इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट रियल इनकम, डिफरेंट यूजेस सच एज मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी, size of consumer group, the people who are not affordable to buy at that price, now they are affordable to buy at low price, substitution effect, when the good become cheaper than its substitute. So please watch this very very carefully, and if you have any of the query, please note it down on your notebooks and I will sort out your queries in tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.